अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक भक्तमाल का प्रसंग है धनुर्दास जी का। धनुर्दास महान भक्त हुए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और रंग यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की, और ये धनुर्दास इतने विमुख थे, भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, भक्ति से कोई इनका वास्ता नहीं। अपनी पत्नी में बड़ा प्रेम करते थे, पत्नी से बड़ी आसक्ति रखते थे, तो अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगाकर और पत्नी को देखते हुए चल रहे थे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। तो स्वामी जी ने देखा ये कौन विमुख जीव है, सारे लोग तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कोई रथ खींच रहा है, कोई धक्का लगा रहा है, कोई प्रभु के रास्ते को साफ कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और ये कैसा विमुख जीव है कि ये भगवान की ओर देख भी नहीं रहा है, कहां देख रहा है, अपनी पत्नी की ओर। यात्रा पूरी हो गई तो स्वामी जी ने कहा कि वो कौन व्यक्ति था, बोले वो यहां के नगर सेठ हैं, उनका नाम धनुर्दास है, सेठ थे, बड़े धनवान थे, बोले इनको बुलाकर लाओ। अब वो सेठ जी डरते डरते गए, पता नहीं स्वामी जी क्या कह रहे हैं। बोले जब भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी तो तुमने भगवान की ओर क्यों नहीं देखा, प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा हो रही थी। उसने कहा कि अब झूठ क्या बोलूं साधु के सामने, तो महाराज जी मुझे आज तक अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं उसी को ज्यादा प्रेम करता हूं, उसी की ओर ध्यान रखता हूं। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी पत्नी से अधिक सुंदर कोई दिख जाए तब, बोले फिर तो उसको भी प्रेम किया जा सकता है। तो बोले फिर ऐसा है कि जाओ अंदर ठाकुर जी का दर्शन करके आओ। मंदिर में भेज दिया और विग्रह जो विराजमान है वो तो है ही है। आज स्वामी जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभो ये विमुख जीव है और इस विमुख पर कृपा करिए और आज जरा अपना सौंदर्य इसको दिखा दीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। जैसे धनुर्दास गए, पर्दा हटाया और पर्दा हटते ही ठाकुर जी का जो दिव्य सौंदर्य है उसका दर्शन धनुर्दास को हो गया, चरणों में गिर गया, नेत्रों से अश्रु धारा लग गई। ऐसा सौंदर्य जगत में कहीं देखने कैसे मिल सकता है, अलौकिक सौंदर्य। अब तो इतने प्रेम दीवाने हो गए, बोले स्वामी जी आज से मैं आपका शिष्य हुआ और यही मेरे प्रभु, अब मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। पत्नी भी भक्त बन गई और इतने सत्संगी बन गए कि स्वामी जी इनको सर्वाधिक प्रेम करने लग गए, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे सब शिष्यों से। अच्छा, शिष्य परिकर में एक बड़ी समस्या होती है, किसी एक शिष्य से थोड़ा ज्यादा नजदीकी दिखे तो बाकी के ईर्ष्या करने लगते हैं कि स्वामी जी तो इन्हीं के प्रेम ज्यादा करते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान है, हम इतने पुराने पुराने हमें नहीं ध्यान देते। तो यही हुआ, बाकी लोगों ने ईर्ष्या की, क्योंकि स्वामी जी जब स्नान करके लौटते तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ लग करके आते थे। लोगों ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये अभी अभी चेला बनाए और स्वामी जी इससे इतना प्रोत्साहित इसलिए करते होंगे कि ये बड़ा धनी है, सेठ है, इसलिए प्रेम करते होंगे। स्वामी जी ने एक लीला करवाई, बीच बीच में कथा में ये थोड़ा भक्तों के चरित्र भी सुनना चाहिए। क्या लीला करवाई, रामानुजाचार्य जी भगवान की बात है कि वो जब शिष्य मंडली के जो साधु थे वो जब स्नान करने गए तो किसी अपने शिष्य जो निजी था उससे कह दिया कि जब ये स्नान करें तो इनके अचला, इनके वस्त्र चुरा लेना। वस्त्र चुरा लिए, अब वो आपस में झगड़ने लगे, तूने मेरा अचला उठा लिया, उसने कहा तूने ऐसा कर दिया, तूने फाड़ दिया, तो झगड़ते आए। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, मठ से दूसरे दे दिए जाए, सबको नए कपड़े बंटवा दिए, झगड़ा शांत हो गया। अगले दिन उन्हीं लोगों के सामने कुछ लोगों से कहा कि जाओ धनुर्दास जब यहां से सत्संग करके चले जाएं तो धनुर्दास जब सो गए हों तो सोते समय धनुर्दास के घर से चोरी करके ले आना, जो माल रखा है धन दौलत है चुरा लाना। बोले चोरी करें हम लोग, बोले मेरी आज्ञा करो, परीक्षा हो रही थी। अब वो धनुर्दास जी तो कीर्तन में कहीं सत्संग में थे, घर नहीं पहुंचे थे, चोर पहुंचे, चोरों ने पीछे से छप्पर हटाया, अंदर गए तो इनकी पत्नी जाग गई,
लेकिन पत्नी ने पहचान लिया कि अरे ये चोर कोई चोर नहीं है, तो वो मंदिर में रहते हैं वो सब है। हो सकता है मंदिर में कुछ धन की आवश्यकता होगी ठाकुर जी की सेवा के लिए, कोई बात नहीं है, मेरा जो धन है आभूषण है भगवान की सेवा में लगेंगे, अच्छा है इनको चुरा ले जाने दो। तो वो बिल्कुल ऐसे लेटी रही जैसे नींद में हो, आंख लगी हो, सब कुछ बांध लिया पोटली में, फिर देखा कि बढ़िया आभूषण पहने हैं तो इसके हाथों के भी तो उतार लो, तो उसके हाथ के कान के गले के वो सब उतार लिए। अब एक और के तो उतार लिए, वो करवट लिए थी तो नीचे की तरफ जो हाथ था कान था उसके रह गए। धनुर्दास जी की पत्नी ने सोचा कि इधर के रह जाएंगे, अब इनका भी क्या करूंगे, थोड़ा सा पलट जाऊं ताकि ये भी चले जाए सेवा में लग जाएंगे। पलट गई वो, पलटी तो चोरों ने समझा के जाग गई और सब छोड़ के भागे चले आए, क्योंकि कोई ऐसे चोर तो थे नहीं, ये तो जबरदस्ती चोर बने थे। स्वामी जी को सारी घटना सुनाई, स्वामी जी ने कहा ये तो ठीक है, अब चुपके से जाओ और धनुर्दास और उसकी पत्नी में क्या चर्चा हो रही है वो पीछे छुपके सुनना। तो वो सब लोग गए कुटिया के पीछे छुप गए मकान के पीछे। धनुर्दास जब लौट के आए तो पत्नी ने सारी घटना सुनाई, तो धनुर्दास जी कह रहे थे अरे बाबरी तेरे अंदर धन का लोभ आया होगा, तब तो तूने करवट बदली, थोड़ा पड़ी रहती वैसे ही, कम से कम वो धन चला जाता तो भगवान की सेवा में तो लग जाता, क्यों नहीं जाने दिया। वो रोते हुए कह रही है स्वामी मेरे अंदर धन का लोभ नहीं था, मैंने तो इसलिए करवट बदली थी ताकि यहां जो रह गए हैं वो भी चले जाएं। बोले नहीं नहीं मुझे तो लगता है तूने इसलिए करवट बदली होगी, तेरे मन में धन का कोई लोभ होगा, चल उतार अभी सारे गहने। सारे गहने उतरवाए पोटली में बांधे और धनुर्दास स्वयं ले जाकर मटके बाहर रख आए, चलो ठाकुर जी सेवा में लग जाएंगे। स्वामी जी ने सब शिष्यों को बुलाया, धनुर्दास को बुलाया, सारी बात स्पष्ट की कि ये सब मैंने करवाया, ये सब वापस ले जाओ। तब शिष्यों को कहा कि देखा तुम लोग कहते हो धनुर्दास को क्यों प्रेम करते हैं, तुम्हारा अचला यदि चोरी हो गया फट गया तो तुम इतना झगड़ा मचा रहे थे, एक अचला फट गया तो इतना उधम मचा रहे थे, और ये कह रहा है कि जितना जो पहन रही है सारे आभूषण निकाल के दे दे भगवान की सेवा में लगा देंगे। त्याग इसे कहते हैं।